नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र गांव निवासी एक महिला ने अतरौलिया थाने में लिखित तहरीर देकर ये आरोप लगाया कि गांव का ही निवासी युवक की मां ने मेरी गुंगी और बहरी लड़की को अपने घर किसी काम से बुलाकर ले गई। युवक की मां अपने घर से कहीं बाहर चली गई थी कि इसी दौरान उनके लड़के ने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। जब मैं उसे बुलाने उसके घर पहुंची तो मेरी पुत्री बेसुध और अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो फांसी लगाने जा रही थी। जब उसकी जानकारी मेरे द्वारा युवक के घर वालों को बताई गई तो वह लोग मुझे धमकी देने लगे और बोले कि थाने पर जाओगी तो जान से मार देंगे। पीड़िता की मां ने बताया कि मेरी लड़की जो बोल और सुन नहीं सकती है वह पूरी तरह से दिव्यांग है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, घटना की जाँच की जा रही है, तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि इस पूरे मामले पर आजमगढ़ एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि थाना अतरौलिया पर एक दुष्कर्म का तहरीर प्राप्त हुई है, जिस सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 341/23 धारा 376/506 IPC का पंजीकृत किया गया है। लड़की अभियुक्त के घर में खाना बनाने के लिए गई थी कि पूर्व से उसे परिचित थी। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शीघ्र ही नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। थाना अतरौलिया पर एक दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है, जिस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 341/23 धारा 376/506 IPC का पंजीकृत किया गया है। लड़की अभियुक्त के घर पर खाना बनाने के लिए गई थी क्योंकि वह पूर्व से उससे परिचित थी। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शीघ्र ही नियमानुसार साक्ष्यों के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या हुआ आज आप थाने पर आई हैं? क्या दिक्कत परेशानी क्या हुआ इसके बारे में बताइए। हम परेशानी बहुत भइल कि एकदम हम बिटिया के लेके बहुत परेशान है। गईनी खोजत है कि बिटिया हमारे घर पे ना रह लिया, तो गईनी खोजत है चार घरे खोज बहनी, तब कहते हैं कि कहाँ गई है, तो गए मैंने सब बतौले को बुला के रोटी बनावे के ले गई। अच्छा, रोटी बनावे के बहाना को गईनी खोजत है, खोजत गईनी तो वहाँ पे हमार बिटिया नंगे पा खड़ी रहे, भी लेटिंग आवत रहे। हाँ, तो क्या लगा आपको, कैसे देखने से क्या लगा आपको? हमको लगल कि बिटिया हमारे जवान बोलती है वो कि कोई इस तरह करी तो कैसे हो जाए, फिर आगे फिर और पवाल खड़ा हो जाए। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या हुआ आपको, क्या लगा उसमें? पलकतार भैया ने कौन किया, किसके ऊपर शक है आपको, किसके ऊपर इल्जाम, क्या नाम है? नीतीश नाम है। क्या मामला है, आज आप लोग थाने पे आई हैं, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। सर क्या कहते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे कि देखे इसको, क्या कहते हैं, इसके साथ में गलत हुआ है, और फिर इसके बाद में जब हम लोग वहाँ पे गए उनके मम्मी पापा को भी बुलाए तो लोग बोले नहीं हमारा लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा किया और करके इसके बाद में चला गया। ये क्या कहते हैं, उसके घर पे गई थी, उसकी मम्मी बुला के लेके गई थी, फिर इसके बाद में क्या कहते हैं कि रोटी बनाने के लिए वो छोड़ के चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद यही करीब वही लगभग 11-12 वही बज रहे थे, तो ये आई, इसके बाद में अपने लड़के को पूछने लगी कि कहाँ पे है हमारी लड़की, तो हम लोग बोले हम लोगों को नहीं पता है, किसी और से पूछ लीजिए। फिर ये जाके पूछे तो सब लोग बताएं कि क्या कहते हैं वही बुला के लेके गई है। तो फिर इसके बाद में जब ये ढूंढते ढूंढते जब उसके घर पे पहुंची तो देखी अपने लड़के को, मतलब कि ऐसे ऐसे हालत में थी कि ऐसे नंगी पड़ी थी और क्या कहते हैं ब्लीडिंग भी हो रही थी और फांसी भी लगाने जा रही थी। किसको, किसके ऊपर शक है आपको, कौन? नीतीश। क्या नाम, उनके पिता का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के निवासी? ग्राम भुड़कुड़ा के। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।